ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जो है किसी के किरदार को निभा रहे हो। जी हाँ, जय भानुशाली जो है सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहा है, अफसाना जो है वो शहनाज गिल बनने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा नहीं दिखाना चाहते, हमारी ऑडियंस ही नहीं देखना चाहती, तो फिर ये पूरा का पूरा फुटेज दिखाया ही क्यों? क्यों दिखाया? अरे कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, वो तो क्लियर कर दो भाई। जैसे ही घर वालों से मुलाकात होने वाली थी भाई, सभी आ गए थे स्क्रीन पे और सलमान खान को जो है बीच में अफसाना ने कहा सलाम अलैकुम। और जहां तक मुझे पता है मुस्लिम में अगर दुश्मन भी सलाम करता है तो उसका जवाब देना होता है, लेकिन सलमान खान ने जवाब नहीं दिया। आप समझ पा रहे हो सलमान खान कितने ज्यादा भड़के हुए थे अफसाना खान के ऊपर? में पक करके बता दूं कैसे होता है, मतलब एग्जैक्टली पक, मतलब दोनों में से कोई भी बात बात पे क्या है, समझ चुके होगे क्या कहना चाह रहा हूँ। हर साल की तरह इस साल सलमान खान ने फिर से वही हरकत की, मतलब जहाँ पे प्यार पनप रहा होता वहाँ पे जाके फूट मार देना। देखो माना कि 3 दिन के अंदर में प्यार हो गया, चौथा दिन दीवाना हो गया, उसके बाद से एकदम कमिटमेंट एकदम 100% पे चल रहा है, लेकिन फिर भी सलमान खान ने क्या किया, ये जो तुम लोग कर रहे हो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। मान के चलो कि तुम लोगों की शादी कहीं अलग अलग जगह पे हो गई और फिर बच्चे अगर इस फुटेज को देखेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो क्लिप है ना जो अभी दिखाया जा रहा है वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, और ये क्लिप जो है आपको आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। मुझे लग रहा था सलमान खान जो है ईशान को समझा रहे भाई, लेकिन नहीं, लड़की को समझा रहे, लड़की को कि भाई अगर तेरी शादी हो गई और तेरे हस्बैंड ने अगर देखा तो। इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हो कि लड़के ही होते हैं जलकुकड़े, लड़कियां नहीं होती है? मतलब ईशान की अगर शादी कहीं और हो गई तो उसकी बीवी उस पर सवाल नहीं करेगी कि ये क्या गुल खिला रहे थे उधर पे जाके? लेकिन मेरा कहना यार सेफ साइड है, सबको पता है कि ये कितना रियल और कितना फेक दिखाया जा रहा, तो इतना तो यार दिमाग हो गई ना। अगला नाम लूंगा तो यार शायद फैंस लोग भड़क जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं फैन नहीं हूँ। जय भानुशाली जहाँ पे भी एंकरिंग करते हैं वहाँ पे भाई जान डाल देते हैं, लेकिन उनको ये कहना कि जय जो है स्टार है, मतलब कमाल की बात है, स्टार है ठीक है, इस घर के अंदर में वो स्टार है और तुमको लोग देख रहे हैं। नहीं, जब प्रतीक ने गाली दी थी तो उसको प्रॉपर सलमान खान ने कुछ और भी गाली दे करके उसको एग्जाम्पल दिया था कि तेरी माँ दूंगा, तेरी बहन कर दूंगा, या फिर तेरी गा मार दूंगा, जो भी दिया हो, लेकिन उनको तो एग्जाम्पल ऐसा दिया गया था ताकि समझ में आए। लेकिन जय भानुशाली के टाइम पे ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा इमेज को संभालो, तुम्हारे घर पे बच्चे भी देख रहे, तुम्हारी बीवी के साथ तुम ऐसे पेश आते हो क्या? मतलब हर सीजन का फिक्स है, सलमान खान आता है, जिसने जो किया है उसको बस जाके एक ही डायलॉग मारते है, भले से वो जुबैर खान हो या भले से ये अभी अफसाना खान हो, सबको एक ही डायलॉग चिपकाते है। ऐसा नहीं लग रहा है इनकी एंकरिंग जो है वो भी स्क्रिप्टेड हो चुकी है, यानी सलमान खान भी अब कुछ नया यूज नहीं करते। जस्ट लाइक अस, हम यूट्यूबर क्या करते हैं, बिग बॉस की माँ बहन करते हैं, मतलब वही चीज कहना। क्या तुम अपने घर वालों के साथ ऐसे पेश आते हो? क्या तुम अपनी बहन के साथ ऐसे पेश आते हो? क्या तुम अपनी माँ के साथ ऐसे पेश आते हो? डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर, लास्ट वाला ज्ञान जो वो चिपका के जाते हैं ना, ट्रस्ट मी आई रियली मीन इट, और मैं उसको फॉलो करते हुए आया हूँ, मतलब बचपन से सुनते हुए आया हूँ। शो के एंड में बोलते डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल योर फादर एंड मदर, कभी कभी बोलते डोंट ट्रबल योर नेबर। भाई बिग बॉस द्वारा ना मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ अंदर से, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल योर एम्प्लॉयज एंड जूनियर्स। Hey, don't offend my seniors, my high authorities, जितने भी है उन सबको कह रहा हूँ, मेरा पगार मत काटना, मेरा वीक ऑफ मत ले लेना, और मेरे पर में काम लाद मत देना। तुम्हें क्या पता मैं कैसे कर करके मतलब बिग बॉस देख के वीडियो बनाता हूँ। सलमान खान विल गेट ऑस्कर अगर ये वाली एक्टिंग किसी ने मेरी देख ली तो। सलमान खान इतने ज्यादा प्रो हो चुके हैं ना कि भाई पुलिस स्टेशन जाना, लॉयर से मिलना, कटकड़े में खड़े होना, आजकल वो अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करने लग गए हैं वो चीज। जैसे लॉयर आकर के पूछता है क्या आप उस रात वहां पर थे? हाँ लेकिन मैम एक मिनट, हाँ या ना, हाँ बस पास ही चढ़ाओ इसको। प्रतीक से कुछ ऐसे ही सवाल किया था ना, जस्ट से यस और नो, उसने बोला यस, यानी भाईजान जिसको चाहे उनको पूरा क्लियर करने का मौका देते हैं, उनको एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं, और जिनको ना चाहे उनको सिर्फ हाँ या ना में, कल्टी निकल निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी इस दुनिया को। वैसे इस वीकेंड में जो है ना थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया है कि ये तो बीवी भैया थे जो कि बड़े प्यार से लेकर चले गए। मेरा सवाल सिर्फ एक है, अगर आपके बम में है दम तो बुलाओ कभी कैरी मिनाटी को अपने शो पे, जिस प्यार से वो तुम्हें रोस्ट करके जाएगा ना भाई, सलमान खान होस्टिंग छोड़ देंगे, ट्रस्ट मी। वैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले समय में यूट्यूबर्स आएंगे, जो यूट्यूबर्स के 1 मिलियन 10 मिलियन हो जाएंगे पर उनके
उतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उनको 1 और 2 लाख ही मतलब व्यूज मिलेंगे, तो उस टाइम पे जो है उनको फिर से बिग बॉस के घर पे बुलाया जाएगा एज कंटेस्टेंट और फिर लड़ो लड़ो की भेड़ का लड़ो। कैरी मिनाटी को डालना जरूर, वरना तुम्हारा बिग बॉस की माँ की आंख कर देगा। एक ही है वो, एक आंख भी उड़ा ना लेगा। Yes, that's it from my side. What's your take? अगर आप offend हो चुके हो तो I'm very sorry. लेकिन यार जो सही लग रहा था पिछले हफ्ते में उसी बारे में मैंने बात किया है और जो भी highlights थे आपको short में समझाने की कोशिश की है, I hope कि वो आप तक convey हो पाया है। So, what's your take? Please do comment. आपका अगर कुछ कहना है, कुछ विचार है तो यार नीचे में जाकर के लिखो कमेंट सेक्शन पे। माँ बहन को बहुत ही प्यार से अगर याद करना चाहते हो सो यू कैन डू इट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप जाके कर सकते हो, इससे मेरा ही एंगेजमेंट बढ़ेगा भाई वीडियो का। So, आप देख रहे थे द मिस्टर जीरो शो। आपको ये शो कैसा लगा वो भी जरूर बताना लाइक और डिसलाइक करके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।